अभी जो पुलिस महकामा का हेड है उनका धंधा है बाजार में दबंग लोगों के साथ दारू पीना, लड़की का बात नहीं कहूंगा, दारू पीना अपने आवास पर कोई से दबंग जिन्हों को दारू पिलाना। बीजेपी ने सुधरेगा यहाँ ने सुधरेगा, हम अपने एजेंडा दर्ज हो, लेकिन यही कहना चाहता हूँ धरी नहीं ने पार्टी में दरार पैदा नहीं करें। आप चुनाव जीत गए, जिता दिए, अगला बार 1 लाख से जिए थे दोनों थी से, अब की बार 40,000 से लीड करा दिए, इसी वोट से चुनाव जीत गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। आपने बॉलीवुड का एक गाना जरूर सुना होगा, क्या करूं वो लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर। ये गाना अभी बिल्कुल फिट बैठती है गोपाल मंडल पर। कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। गोपाल मंडल जब बोलना शुरू करते हैं तो वो विवादों में आ जाते हैं। वहीं एक बार फिर गोपाल मंडल ने कुछ ऐसा कह दिया है कि एक बार फिर वो विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताते हैं आपको। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल है कि मानते नहीं। गोपाल मंडल ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपने ही पार्टी के सांसद पर निशाना साधा, तो वहीं नवगछिया एसपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। विधायक गोपाल मंडल ने भरी सभा में एसपी पूरन झा को शराबी बता दिया। उन्होंने कहा कि हम फेर में फंस जाएं तो फंस जाएं, लेकिन बता देना चाहते हैं कि ये जो एसपी यहां पुलिस महकमा का हेड है, उनका धंधा बाजार में दबंगों के साथ दारू पीने का है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने एसपी पूरन झा पर और टिप्पणी करते हुए कहा कि वो तो दबंगों को अपने सरकारी आवास पर बैठाकर दारू पिलाते हैं। रंगरा में बलात्कार की घटना हुई, पुलिस ने केस ही नहीं चलने दिया। जब तक ऊपर सुधार नहीं होगा, बीजेपी में सुधार नहीं होगा, तब तक यहां भी सुधार होने वाला नहीं है। आगे गोपाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इनकी शिकायत करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि एसपी बढ़िया लड़का है, बढ़िया क्या रहेगा, आईएएस और आईपीएस किसी का सुनता नहीं है, हमारे सांसद बैठे हैं, हमने इन्हें लोकप्रिय कहा, लेकिन इनसे कहेंगे कि पार्टी में दरार पैदा ना करे। हमने जिताने का काम किया, 40,000 वोट से इन्हें लीड तक करवाया, इसके बाद आप पूछते नहीं हैं। सांसद महोदय का लोगों को दर्शन नहीं होता है, लोगों का ये फोन तक नहीं उठाते। वैसे बता दें कि बड़बोले विधायक गोपाल मंडल का ये बड़बोलापन और आपत्तिजनक टिप्पणी जो है नवगछिया में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में सामने आया है। बता दें कि बीते शनिवार को भी उन्होंने मन से पार्टी की खूब फजीहत कराई थी। बीते दिनों एक कार्यक्रम में भी उन्होंने सांसद और जिला अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिक्षा में बढ़ोतरी, बड़ा सुंदर सुंदर भाषण दिए, क्या क्या शिक्षा में नहीं किए, और ये स्वास्थ्य में बढ़ोतरी पहले इसने होता था। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ भाइयों बहनों, जब 2005 की सरकार थी उस टाइम में क्या होता था, अगर स्टेशन पर लोग उतरता था तो रात को नहीं गवा देता था, दिन में जाता था। अगर जाता था महिला उसके पास, रेप, लूटना, छूटना ऐसा होता। मैं जरा सा पुराने इतिहास बता देता चाहता हूँ, जो हमसे पहले एमएलए था उसके समय काल में लालू जी की सरकार थी, जेल में बंदी था, जेल में सेगी लगा के घुस गया और बंदी को निकाल लिया, उसी बंदी से निरंजन मंडल है पूर्वी से उनको गोली मार दिया लेकिन बच गया। ये पूर्व जो विधायक थे वो तो गुजर गए, क्या नाम लेंगे बोल देते, राणा जी के समय काल में, उनके समय काल में ये यहाँ पर सर्राफ कॉलेज है, ट्रेनिंग आई थी सब को, लड़की लड़कियाँ औरत सब, और उसने 5-7 गुंडा घूंच के रात भर नरम है कि गरम है कि काड़ा है दारू पीते गया और करते गया, सामूहिक बलात्कार किया। ये नवगछिया में दो भाई कलकत्ता में वकील थे, एक बिजनेस करते, दोनों भाई पैसा मांगने के लिए गया, नहीं दिया, उसके बाद घर घुस के दोनों भाई को गोली मार दिया, क्या नहीं होता था, अन्याय हुआ है बिहार के अंदर में। ये पहले जो सांसद यहाँ पर राणा जी थे, उन्होंने आईएएस की पत्नी भागना चाहता, आईएएस के पत्नी को पकड़ के रेप कर देना, ये कर देना, बहुत दुराचार हुआ है पहले की सरकार में। पहले के सरकार में कहीं रोड नहीं था, वर्तमान सरकार ने सब कुछ दिया,
और लोग रात भर चलता आता जाता है, किसी के कुछ नहीं होता है। लड़कियों के पढ़ाई में सब चीज में सब कुछ किया है। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ, मैं क्रांति इसलिए करता हूँ, क्रांति करे सलाम, मैं लड़ाकू हूँ, जुझारू हूँ, लड़ने वाला आदमी हूँ। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, उमेश बाबू को लगेगा कि सरकार के विरोध में बोल रहा। अभी थानादार ब्लॉक नहीं सुधरा, सुधरवे नहीं किया, ब्लॉक में सीधे रुपया लेता है, रुपया मोटा दिया तो ठीक है, नहीं तो खारिज करता 20 लाख में जाए। थानादार के यहाँ कपार भांग के गरीब आदमी जाता है, उसका केस लेता है, उसका प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट करा देता है, तब कहता हो गया केस, उसके बाद जो मारा उसको बुलाता, उसके रकम लेके 107 करा देता है। और वो मारने वाला आदमी कहता है अब की बार गर्दने काटी है, इसको कौन सुधारेगा? इसको सुधारेगा ESP, समझे ना वर्तमान ESP। और मैं बता देना चाहता हूँ खुले जाऊँ, हम फिर में पर्जा कर जाए, अभी जो पुलिस महकमा का हेड है उनका धंधा है बाजार में दबंग लोगों के साथ दारू पीना, लड़की का बात नहीं कहूंगा, दारू पीना अपने आवास पर, कोई से दबंग किन्नों को दारू पिलाना बड़े अफसरों का ये काम है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो जो यहाँ पहले मुख्यमंत्री के निकट बोले भाई ये बात होता, ये बर्दाश्त हमको नहीं होता है। उन्हीं लोगों ने ऐसा कि उनके समय काल में अति पिछड़ा के साथ सामूहिक बलात्कार करके ऐसा कर दिया, और 1.5 मीटर कपड़ा घुसा के जब ब्लड चलने लगा उसको वो खींचा, यहाँ की थी मथी मैंने वो थी वीडियो, वो सब सबको खींचा, रोने लगा, और वो केस इस पुलिस ने नहीं चलने दिया, बलात्कार हुआ ही नहीं है, जब बलात्कार नहीं हुआ है उसको मारा क्यों? इसलिए भाई जब तक ऊपर ने सुधरेगा, BJP ने सुधरेगा, यहाँ ने सुधरेगा, ऊपर जो भी है वो नहीं सुधरेगा, वहां से चुन चुन के देता है, IAS को भेजते हैं, इसको भेजते हैं, जब मुख्यमंत्री को आते कहते बढ़िया लड़का, बढ़िया बढ़िया लड़का क्या होगा भाई, IAS किसी का सुनता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, ऑफिस में बैठता नहीं है, बहुत कुछ ने बोलते हुए मैं तमाम आए हुए माता बहन नौजवान साथियों को और पत्रकार महोदय को मन को बैठे हुए जितने हैं सबको दिल की गहराई से साधुवाद देते हुए क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। मैं लोकप्रिय सांसद बोल दिए हम अपने जन्मदर को, लेकिन यही कहना चाहता हूँ धरी मेहमी में पार्टी में दरार पैदा नहीं करें, आप चुनाव जीत गए, जिता दिए, अगला बार 1 लाख से जिए थे दोनों थी से, अब की बार 40,000 से लीड करा दिए, इसी वोट से चुनाव जीत गए, इसका मतलब बन गए तो छत बिछत कर दे लोगों को, और गोपाल बोले को खंडन कोई कर सकता है? हम वो क्या कहना है उसको, जरासंध इतनों फेंक देगा फेंक चुकिए जाएंगे ना, अरे काम को लोग पसंद करता है, भले अजय मंडल किसी का किसी को दर्शन नहीं दे, किसी का फोन नहीं उठा उसे, लेकिन हमारा लोकप्रिय सांसद है, काम में आवे न आवे, आला कमान ने ठोक दिया तो गोपाल मंडल ने लीड करा दिया 40,000 से। इतना कहते हुए मैं बहुत कुछ नहीं बोलते हुए वाणी पर विराम देता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल को चोर पॉकेट मार कहकर संबोधित किया था और जिला अध्यक्ष पर ज्ञान के अभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सांसद महोदय और विधायक जनता का काम नहीं करते हैं, पब्लिक काम कराने के लिए मेरे पास आती रहती है। अब गोपाल मंडल कुछ कहें और विवाद न खड़ा हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब गोपाल मंडल ने अजय मंडल को चोर और पॉकेट मार कहकर संबोधित किया तो अजय मंडल ने भी इसका करारा जवाब दिया। अजय मंडल ने कहा कि जो जैसा खुद होता है वैसा ही दूसरे को सोचता है। दरअसल भागलपुर के लाजपत पार्क में JDU की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मंच पर गोपालपुर के विधायक और सांसद अजय मंडल बैठे थे,
लेकिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का मौका नहीं मिला। गोपाल मंडल ने माइक मांगा भी लेकिन उन्हें माइक नहीं दिया गया। इसके बाद गोपाल मंडल भड़क गए। पत्रकारों ने गोपाल मंडल से पूछा कि कार्यकर्ता सम्मेलन के पोस्टर में भी आपकी तस्वीर नहीं थी, आपको माइक भी नहीं दिया गया। इस सवाल के जवाब में गोपाल मंडल ने कहा कि कहीं ना कहीं समझदारी में कमी है, उनको मालूम नहीं है कि हम प्रमंडल के मालिक हैं, बांका और भागलपुर दोनों हम जानते हैं, हमारा तो फोटो रहना ही चाहिए, ये अजय मंडल की बदमाशी है। अजय मंडल ने क्यों ऐसा किया होगा? इस सवाल के जवाब में गोपाल मंडल ने कहा कि वो चोर पॉकेटमार है, ऐसा ही करते रहते हैं। वैसे बता दें कि अजय मंडल ने भी मंच पर कहा कि आप मत बोलिए, बाद में बोलिएगा। गोपाल मंडल के आरोप पर अजय मंडल ने भी पलटवार किया। उनकी नाराजगी क्या है वो आप लोग खुद ही जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जो जैसा है वैसा ही दिखता है। अजय मंडल से पूछा गया कि गोपाल मंडल ने कहा है कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री तक नहीं बनेंगे। इस सवाल के जवाब में अजय मंडल ने कहा कि आप लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन वो बोलते समय लड़खड़ा गए थे। वहीं एक बार फिर गोपाल मंडल ने जो है अपने सांसद पर निशाना साधा और नीतीश कुमार की शराबबंदी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने सांसद की तो फजीहत की ही की, साथ ही साथ नवगछिया एसपी पूरन झा की फजीहत कर डाली। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी ये टिप्पणी पर जेडीयू की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार, धन्यवाद।